नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। तेलंगाना में आज रेवंत रेड्डी ने शपथ ली। मिजोरम में भी मुख्यमंत्री कल शपथ ले लेंगे। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों का मामला बेशक लटका हुआ है, लेकिन अब सस्पेंस जल्द ही खत्म होने वाला है। पक्की खबर है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान रविवार तक हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। सीएम की रेस में कोई किसी को आगे बता रहा है तो कोई किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने के दावे कर रहा है। इसके साथ ही साथ मैं एक और बात आपको बताता हूं कि ये अटकलबाजियां हैं। कई तरह की अटकलबाजियां इस वक्त चल रही है। आज मेरे पास जो खबर है वो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि बड़े बड़ों को हैरान कर देगी। खबर क्या है ये देख लीजिए। मुख्यमंत्री पद की रेस में राजस्थान में वसुंधरा राजे पिछड़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का भी यही हाल है और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर दिख रहे हैं। यानी ये तीनों चेहरे इस रेस से दूर दिख रहे हैं। आज बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से जब बात हुई, दिल्ली की राजनीति में उनका बड़ा रसूख है, संघ के भी करीबी हैं, बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ी बात कही, जिसका मतलब यही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नेताओं की लॉटरी लग सकती है जिनके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं। उनकी बातों से तस्वीर काफी साफ हो गई, लेकिन कुछ सवाल उठ रहे हैं और वो लाजमी भी है। सवाल क्या है, देखिए। पहला सवाल, क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? दूसरा सवाल, अगर यही बीजेपी की सोच है तो वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जैसे नेताओं का क्या होगा? तीसरा सवाल, बीजेपी इसके जरिए क्या संदेश देना चाहती है? इसके पीछे पार्टी की रणनीति क्या है? ये तीन अहम सवाल। रणनीति की बात करने से पहले जिक्र कर लेते हैं वसुंधरा राजे का, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह और इन नेताओं के भविष्य पर, क्योंकि पार्टी लीडरशिप ने अगर राज्यों में सत्ता की कमान नए चेहरों को सौंपने का मन बना लिया है तो ये क्या करेंगे, इन्हें कौन काम दिया जाएगा? इसका जवाब पार्टी की रणनीति में छिपा है। कैसे, समझिए। दरअसल बीजेपी की एक परंपरा है, एक संस्कृति है जिस पर संघ की गहरी छाप है। बीजेपी में कामकाज की सहूलियत के हिसाब से पदों के नाम बेशक हैं, लेकिन पद चाहे कितना भी बड़ा हो, पार्टी की नजर में सब कार्यकर्ता हैं। इसके लिए अगर आप करीब से देखेंगे तो वहां कोई किसी से किसी का पद नहीं पूछता, दायित्व यानी जिम्मेदारी के बारे में पूछता है। और मैं अपने इसी शो में आपको पहले भी बता चुका हूं कि बीजेपी 15 साल के फ्यूचर प्लान पर काम कर रही है, आगे के हिसाब से तैयारी कर रही है। पार्टी के सीनियर नेताओं से जो बात हुई है उससे साफ हो गया कि जो नेता अब तक राज्यों में सत्ता संभाल रहे थे उन्हें केंद्र में लाया जा सकता है, जो नेता अब तक केंद्र में मंत्रालय या पार्टी के या किसी बड़े ओहदे पर थे उन्हें राज्यों की राजनीति में ढाला जा सके। बहरहाल ये तो ही बीजेपी के फ्यूचर प्लान की बात, लेकिन फिलहाल हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर हो रही है। इसलिए पहले इसी पर बात कर लेते हैं। और जैसे कि संकेत मिल चुके हैं कि बीजेपी तीनों राज्यों में बिल्कुल नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने की योजना पर काम कर रही है। पार्टी ने यह बात ऑफिशियल नहीं की, लेकिन संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं बारी बारी से। और यह भी नहीं है कि ऐसा पहली बार होगा। गुजरात में ऐसा प्रयोग हो चुका है। वहां सितंबर 2021 तक विजय रूपाणी मुख्यमंत्री थे, लेकिन अचानक बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया। बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदला, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था। सवाल यह है कि बीजेपी कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गुजरात मॉडल लागू करके सबको चौंका तो नहीं देगी? वैसे भी मुख्यमंत्रियों की रेस में जिन नेताओं को शामिल बताया जा रहा है वो खुद को दौड़ में मानने से इनकार कर चुके हैं। वसुंधरा राजे ने इस पर बेशक अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुखर होकर दावेदारी भी नहीं जताई है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना।
पार्टी ने पहले भी जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको अच्छी तरह से निभाऊंगी। बीजेपी अनुशासित पार्टी मानी जाती है और इसकी एक परंपरा रही है, कुर्सी पर दावेदारी को लेकर पार्टी के नेता अक्सर चुप भी रहते हैं। इन नेताओं ने भी शायद इसी परंपरा का पालन किया, लेकिन सवाल तो यह है कि अगर बीजेपी नए चेहरों वाली लाइन पर आगे बढ़ती है तो वो कौन जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस सवाल के जवाब के लिए मैंने दिल्ली, जयपुर, भोपाल और रायपुर में बीजेपी के कई नेताओं से बात की तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं और उन तीन चेहरों से आपको रूबरू करवाते हैं जिन पर बीजेपी बाजी खेल सकती है। मध्य प्रदेश के वो तीन चेहरे कौन हो सकते हैं, जरा इसको देखिए। प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर, ये तीन वो नाम हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। सबसे पहले बात प्रहलाद पटेल की कर लेते हैं। वो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनके पास सियासत का लंबा अनुभव भी है, संघ के रास्ते बीजेपी में आए हैं और पार्टी लीडरशिप से भी अच्छे रिश्ते हैं। और जहां तक सीएम बनाए जाने का सवाल है तो कई बातें ऐसी हैं जो इनके फेवर में जाती हुई दिख रही है। ओबीसी समाज से आते हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं, मजदूर संगठनों पर अच्छी पकड़ है, लेकिन वो राज्य की राजनीति से दूर रहे हैं। दिक्कत है कि वो एक दलित के आत्महत्या के मामले में विवाद में भी आए थे। आगे बढ़े प्रहलाद पटेल, दमोह से सांसद हैं, लेकिन इस बार नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत चुके हैं और सांसद की कुर्सी भी छोड़ चुके हैं। पार्टी आलाकमान इनके बारे में क्या फैसला लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वीडी शर्मा की, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन के लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी सफलता में उनका बड़ा हाथ है। राजनीति की शुरुआत एबीवीपी से की और संघ के करीबी हैं, पब्लिक कनेक्ट भी काफी अच्छा है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने से कई बार बचती भी है। शिवराज सिंह चौहान से उनकी तनातनी की चर्चा कई बार आ चुकी है। तो ये मध्य प्रदेश के वो तीन चेहरे, लेकिन वीडी शर्मा के मामले में एक बार ध्यान देने लायक है कि वो उनकी उम्र जो सिर्फ 53 साल है, मतलब अभी उनके पास राजनीति के लिए लंबा समय है और पार्टी उन्हें फ्यूचर प्लान के तहत भी ग्रूम कर सकती है। अब बात करते हैं सांसद से विधायक बने नरेंद्र सिंह तोमर की, जो कि मुरैना सीट से सांसद रहते हुए नरेंद्र तोमर ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। वो केंद्र में बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, पार्टी के लिए कई बार संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं और चंबल रीजन में सिंधिया के बाद बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उन्हें सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है, बीजेपी केंद्र नेतृत्व से अच्छे संबंध है, बीजेपी की कैंपेन कमेटी के भी अध्यक्ष हैं, लेकिन लंबे समय से राज्य की राजनीति से दूर रहे हैं। चुनाव के दौरान उनके बेटे के एक वीडियो पर भी विवाद हुआ था, बताया जाता है कि किसान उनसे ज्यादा खुश नहीं है, ये चर्चा। लेकिन इसके बाद भी तोमर मध्य प्रदेश में सीएम पोस्ट के लिए हॉट फेवरेट माने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले लोगों को भी नरेंद्र सिंह तोमर में दम दिखता है। नरेंद्र सिंह तोमर का कद बहुत ज्यादा भारी और महत्वपूर्ण नजर आता है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक तो व्यक्तित्व बहुत ही सुलझा है, चाहे वो शिवराज जी हो, चाहे बाबूलाल गौड़ हो, चाहे उमा भारती हो, सबके साथ उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम किया है। कि उनका काम करने का तरीका एक ऐसा है जो नरेंद्र मोदी जी का जो स्टाइल है उससे अगर आप मेल खाने की बात करें तो मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर का व्यक्तित्व जो है वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये फैसला बीजेपी को लेना है। हालांकि मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, राजस्थान का भी अटका हुआ है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है। जहां तक दावेदारी का सवाल है तो वसुंधरा राजे ने खुद अपनी जुबानी कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्हें ही सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। चुनाव में बीजेपी को जीत मिलते ही उनके घर विधायकों का तांता लग गया। 70 करीब के करीब विधायकों ने उनके घर पहुंचकर मुलाकात की थी। बताया जाता है कि इससे दिल्ली तक बहुत अच्छे संकेत नहीं जा रहे थे। इसके बाद वसुंधरा ने इस पर तो रोक लगा दी, लेकिन बीजेपी के ही एक विधायक के पिता ने उन पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का इल्जाम लगा दिया। इस बीच वो दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली में वो आई और दिल्ली में वो मुलाकातों का दौर भी करना चाहती है नेताओं से मिलकर। मुख्यमंत्री के पद पर राजस्थान में किसी ने दावा तो नहीं किया, लेकिन वहां भी कुछ ऐसे ही नाम है।
ऐसे चेहरे हैं जिन पर बीजेपी दांव लगा सकती है, मैं आपको उनके बारे में बता दूं। लेकिन ये बात मैं एक बार फिर बता दूं कि ये बात हवा हवाई नहीं है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने बातचीत में बताया कि पार्टी राजस्थान में जल्द ही मुख्यमंत्री के फेस का ऐलान कर देगी। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन बातचीत के दौरान कुछ नाम की तरफ इशारा जरूर किया और इशारा साफ समझ में आ गया। सबसे पहला नाम अश्नवी वैष्णव, फिलहाल केंद्र में दो विभागों के मंत्री हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी केंद्र में मंत्रालय संभाल रहे हैं। ये दो बड़े अहम नाम। शुरुआत केंद्रीय मंत्री अश्नवी वैष्णव से करते हैं। राजस्थान के सीएम की कुर्सी पर उनकी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। इसके एक नहीं कई कारण हैं। पहली वजह है, सबसे बड़ी अगर बात की बात की जाए तो वो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप में अच्छी छवि रखते हैं। दूसरी वजह यह है कि वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के सह प्रभारी थे और वहां पार्टी की जीत में उनका बड़ा योगदान रहा, यानी संगठन का भी अनुभव उनको हो गया है। आईएएस अफसर थे, प्रशासन को अच्छे से समझते हैं, ओबीसी हैं, साफ सुथरी और जमीन से जुड़े नेता की इमेज भी बना ली है। आईआईटी कानपुर और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन मुश्किल यह है कि वो राज्य की राजनीति से दूर रहे हैं। बाकी नेताओं के मुकाबले सियासी अनुभव कम है। बीजेपी उन्हें ओडिशा में संगठन को मजबूत करने का जिम्मा भी सौंप सकती है, चर्चा यह भी है। हमने इस बारे में खुद अश्नवी वैष्णव से बात की, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि इससे किसी को इनकार नहीं कि उन्हें अपनी अच्छी छवि का लाभ मिल सकता है। सबसे स्वच्छ और एकदम नया नाम है अश्विनी वैष्णव का। भाजपा ये चाहे कि हमारे नेतृत्व एक ऐसे आदमी पर पड़े जो को पूरे राज्य को एक दिशा दे सके। तो लगता है कि अश्विनी वैष्णव के जो पास जो कई गुण हैं उसे वो कागज में तो बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं। इस मामले में आखिर फैसला बीजेपी को ही करना है और पार्टी ने अगर मध्य प्रदेश में उनके परफॉर्मेंस और ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखा तो पार्टी के लिए उन्हें इग्नोर करना मुश्किल होगा। राजस्थान सीएम के रेस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नाम भी कुछ लोगों ने चर्चा में लाया। वैसे इस रेस में एक दूसरा नाम भी चल रहा है, वो है पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। वो राजस्थान में बीजेपी के ने अगर प्रचंड जीत हासिल की तो इसमें शेखावत का बड़ा योगदान है। राजस्थान में जितने दिन प्रचार चला वो मैदान में डटे रहे और गहलोत पर तीखे हमले करते रहे। इसके लिए पार्टी ने उन पर सर्कल में उनके नाम को भी खूब चर्चा हो रही है, संगठन में भी। उन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है, छात्र जीवन से एबीवीपी के जरिए राजनीति से जुड़े। 2019 लोकसभा में जोधपुर से गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन कथित क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले में उनका नाम भी आया था। कई विवादित बयानों के चलते वो चर्चा में रह चुके और लंबे समय से राज्य की राजनीति से दूर है, लेकिन नाम इनका भी चर्चा में। इसके अलावा वो खुद को मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी से दूर बता रहे हैं। अपने कार्यक्रम में मोदी की गारंटी में हमने उनसे सवाल भी पूछा था तो उनका कहना था कि वो कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। काम क्या करवाना है इसका फैसला पार्टी ही करेगी। भूमिका बदलते हुए देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की। भारतीय जनता पार्टी में यह पद्धति परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता किस भूमिका में काम करे, देश के निर्माण के इस यज्ञ में किसकी आहुति की कहां आवश्यकता है जी, राज्य में, केंद्र में, सत्ता में, संगठन में, ठीक, या उसके इतर भी। बड़ी खबर आ रही है, पहले उसी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं आपको बता दूं कि सुबह से इंतजार था कि वसुंधरा और जेपी नड्डा की मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन जेपी नड्डा के घर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके घर वसुंधरा राजे इस वक्त पहुंची है। लेकिन सुबह से चर्चा चल रही थी कि उनकी मुलाकात होगी, उनको बुलाया गया था या वो खुद आई हैं, लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि वसुंधरा राजे जगत प्रकाश नड्डा के घर पहुंची है और वो उनसे मुलाकात कर रही है। तो राजस्थान के सीएम के सस्पेंस के बीच ये बड़ी खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात वसुंधरा राजे सिंधिया ने की। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह भी साथ में मौजूद थे इस मुलाकात में।
और इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान में सीएम के फेस को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं और इस वक्त हम भारत की बात अपने इस कार्यक्रम में भी दर्शकों को यही बता रहे हैं कि कौन कौन इस रेस में आगे है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच वसुंधरा की मुलाकात, धीरज मुलाकात शुरू हो गई, कितनी देर हो गई मुलाकात शुरू हुए? बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे इस समय जेपी नड्डा के आवास में पहुंच चुकी हैं, उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। काफी समय से इंतजार था, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि 7 बजे उनका समय निर्धारित हुआ था, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ उस बीच यहां पहुंच गए थे और उनको यहां बैठने में देर हो गई, करीब 7:30 के बाद तो यहां से योगी आदित्यनाथ निकले, इस वजह से इस समय को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और 7 से 8 कर दिया गया। फिलहाल वसुंधरा राजे जेपी नड्डा जी के आवास में पहुंच चुके, उनके साथ उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह भी थे और उन दोनों लोगों की मुलाकात इस समय जेपी नड्डा जी से हो रही है। अंदर तो शायद वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की 1-to-1 होगी, दुष्यंत शायद दूसरे कमरे में बैठेंगे, लेकिन ये बहुत अहम मुलाकात है क्योंकि आज सबको इंतजार था कि कब वसुंधरा राजे और भाजपा के आला कमान से उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि सबकी निगाहें हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर, और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा ये बिना वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करके तय नहीं किया जा सकता है। ये हम पहले से कह रहे हैं और अभी भी यही कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे। नीरज, नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का फैसला फंसा हुआ है, उसी तरह छत्तीसगढ़ का भी मामला अटका हुआ है। फैसला भले ही रविवार तक हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ नाम यहां भी चर्चा में है। ये नाम कौन कौन से हैं? रामविचार नेता और रेणुका सिंह, इनका नाम यहां पर चर्चा में है। ये दो नाम, रामविचार नेता और रेणुका सिंह, लेकिन दोनों नामों की अगर बात करें तो चर्चा दोनों के नाम पर है, दोनों आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन रामविचार नेताम पर रेणुका का पलड़ा भारी दिखाई देता है। चर्चा भी रेणुका के नाम की ही ज्यादा हो रही है। इसकी एक वजह मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। देखिए, बीजेपी यंग लीडरशिप तैयार करने की जिस योजना पर काम कर रही है उसमें रेणुका फिट बैठती है। रेणुका महिला भी है, बीजेपी को यह बात भी मुफीद लग सकती है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सीएम के रेस में क्यों पिछड़े। इसकी दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने बीजेपी को एक मुश्त वोट दिए, पार्टी उन्हें नाराज नहीं कर सकती। दूसरी वजह, बीजेपी का प्लान 2024 जिसमें आदिवासी और पिछड़े वोटर की बड़ी भूमिका रहने वाली है। और तीसरी वजह है झारखंड चुनाव। बीजेपी को पता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाया तो इसका फायदा झारखंड में भी मिल सकता है, यानी इसका बड़ा संदेश होगा। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल लीडर के साथ जाएगी, और ट्राइबल और महिला हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो उनमें एक संभावना बनती है कि किसका नाम होगा, लेकिन नाम का चर्चा करना ठीक नहीं है। इतना जरूर लगता है कि रमन सिंह जी शायद इस रेस से बाहर है। मतलब बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है कि वो नए चेहरों को मौका देकर लीडरशिप की नई लाइन तैयार करना चाहती है और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे वोट बेस को जरा भी धक्का लगे। ये एक बड़ी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी। तो राज्यों में बड़े बदलाव के पीछे बीजेपी की यही रणनीति बताई जा रही है। राजनीति में जनता ही जनार्दन है, जनता ही सत्ता के शिखर पर बैठाती है, जनता ही सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाती है। यानी सत्ता में बने रहने के लिए जनता के साथ संवाद या फिर कनेक्शन बेहद जरूरी है। जब राजस्थान की हमने बात की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली बंपर जीत से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दे रहे हैं। उस वक्त दिल्ली में हुई संसदीय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया। स्वागत है।
मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, बीजेपी सांसद और पार्टी पदाधिकारियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। मोदी जी का स्वागत है के नारे लगाए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ बढ़ते रहे। मीटिंग में मौजूद बीजेपी नेताओं को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आने वाले लोकसभा चुनावों को जीते हुए राज्यों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने का पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो बीजेपी नेताओं को चौंकाने वाला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके नाम के आगे माननीय या फिर नाम के पीछे जी लगाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मोदी जी के बजाय मोदी कहा जाए और मोदी जी की गारंटी बोलने की बजाय मोदी की गारंटी कहा जाना चाहिए। बहुत सहज भाषा में उन्होंने कहा कि भारत की जनता उन्हें मोदी कहती है, वो चाहे बच्चा हो या वृद्ध हो, सब उन्हें मोदी कहकर बुलाते हैं, तो अतिरिक्त सम्मान जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी के लोग या सांसदगढ़ जी माननीय इन शब्दों का उपयोग ना करें, जो सरल भाषा में जनता मोदी कहती है उन्हें मोदी ही रहने। जनता अपनत्व मोदी में मानती है, तो उसमें जी या मानी बना के दूरी पैदा करने की क्या आवश्यकता है। वैसे तो मोदी जी या फिर मोदी कहने में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, लेकिन राजनीति में हर एक शब्द के कई मायने होते हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं कि मोदी की गारंटी कहने पर जो अपनापन दिखता है वो मोदी जी की गारंटी कहने पर नजर नहीं आता। दूसरा, स्टार कल्चर जनता से जुड़ाव में रुकावट पैदा करता है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान दिखाता है कि छोटी से छोटी चीज पर उनकी नजर है, भले ही वो शब्दों का चयन ही क्यों ना हो। यह बात बेहद अहम हो जाती है। बीजेपी खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, यानी खुद को दूसरों से अलग बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि उनकी राजनीति का तरीका विरोधी दलों से अलहदा है और वो जमीन पर भी नजर आना चाहिए। प्रधानमंत्री हमेशा ही पीपल्स कनेक्ट पर जोर देते हैं, लोगों के साथ जुड़ाव की बात करते हैं, और जब आप मोदी की बजाय मोदी जी बोलते हैं तो एक लेवल अप हो जाता है लीडर का, लगता है कि वो आपके साथ का नहीं आपसे बड़ा है, तो उससे कनेक्ट करने में मुश्किल होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय बोर्ड की समिति की मीटिंग में मोदी जी की जगह मोदी कहने पर जोर क्यों दिया, इसके पीछे कई वजह हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत के बाद से बीजेपी के तमाम नेता मोदी जी या फिर मोदी जी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं। बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं के बयानों पर अपनी राय जाहिर की। मैं पहली बार नहीं है कि 2024 से लेकर अब तक कई ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की सियासी स्टार कल्चर से उन्होंने अपने आप को अलग दिखाया। जब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को जी शब्द का इस्तेमाल करने की नसीहत देकर नई बहस छेड़ दी।